हर किसी को अपने निजी जीवन में सड़क पर जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या से जुड़ा मामला अंबाला छावनी से आया है। अंबाला सदर थाना प्रभारी नरेश कुमार से बातचीत के दौरान बताया कि बाजार में जो लोग अपनी दुकानों के आगे अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़े करके अवैध कब्जा किया हुआ है, जिससे कि आम जनता को आवागमन में परेशानी आती है। लोगों की सुविधा को देखते हुए उन्होंने वैध अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया है और भविष्य में भी यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने मीडिया के माध्यम से यह आम जनता वह दुकानदारों से अपील की कि वे बड़ा वाहन बाजार में ना लाएं। यदि कोई छोटा वाहन जैसे स्कूटी एक्टिवा लाते हैं तो एक व्यवस्थित ढंग से दुकान के बाहर खड़ा करें, जिससे कि बाजार में आने वाले व्यक्तियों को आम जनता को आवागमन में कोई परेशानी ना हो। यदि फिर भी कोई वाहन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका चालान दिया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। बाजारों में जो लोगों ने दुकानों के आगे अवैध कब्जा किया हुआ है, सड़क पे टेढ़े मेढ़े व्हीकल खड़े करते हैं, दुकानों के बाहर सामान उठाते हैं, तो जिससे कि लोगों के आवागमन में काफ़ी मुश्किल आती है, तो लोगों की सुविधा को देखते हुए ये हमने आज ये अभियान चलाया है और ये भविष्य में भी हमारा अभियान जारी रहेगा। तो आज पहली बार चलाया या पहले से चला? नहीं, इससे पहले कई बार चल चुका है और मेरी आपके चैनल के माध्यम से अंबाला कैंट के दुकानदार भाइयों से और मार्केट में आने वाले हर भाई बहन से प्रार्थना है कि वो अपना व्हीकल है जो बाजार के अंदर मत लाएं। अगर छोटा व्हीकल एक्टिवा या स्कूटर वगैरह पे आते हैं तो उनको कायदे से दुकान के आगे खड़ा करें, जिससे कि आम जनता के आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अगर लोग नहीं माने और व्हीकल तब भी खड़ा करा तो क्या? ऐसा नहीं है, आज हमने गाड़ी इम्पाउंड की है, क्रेन हमारे साथ है, गाड़ियों के हमने चलान किए हैं। नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, सुबह से हम सदर बाजार में कार्रवाई कर रहे हैं, पहले निकलसन रोड पे कर चुके हैं, अब भी हमारा अभियान ही जारी है। अंबाला से अंकुर कपूर की रिपोर्ट।